नमस्कार न्यूज रूम लाइव को स्वागत करुशक्ति संभाव्य बात्या को नहीं कि जितेबले चारे चर्चा जारी रही बात्यार प्रकोप कौन हम कौटी लैंडफॉल करदि वर्तमान सुधा स्पष्ट होना किंतु बात्या दाना बांधिबा आरंभ करी आंडमान सागर निकटे तो यह समय स्वतंत्र रिलीफ कमिश्नर 18 जिलार जिलापाल मानक सतर्क रही निर्देश जारी कर जो 18 जिला रे ए बात्यार जदि बात्या रे परिणत एवं तार जहाँ जो जो अंचल रे जो जो जिला रे यार प्रभाव देखा मिल पाए खासकर उपकूलवर्ती जिला गुड़िक तार जिलापाल मानक सतर्क रहा निर्देश जारी कर खासकर किभली भाव में जो तलिया अंचल लोक मान उधार कर रिलीफ सामग्री किभ पहुँचा जापर यह फोकस कर तो ए प्रसंग रही आज न्यूज रूम आम आलोचना करवा दे बात्या अलर्ट बात्या को लेकिन राज्य सरकार का प्रस्तुति एवं सतर्कता दिव्यज्योति महांती आम प्रतिनिधि जोड़ी होती पुरी अच्छा प्रतिनिधि आलोक आशुतोष मु दिव्य प्रथम आपको जवाक चाहिए जे वर्तमान सुधा जदिओ स्पष्ट चित्र बात्या संपर्क में मिल पारिना तार भयावहता के संपर्क में स्पष्ट चित्र आसीना कि पूर्व राज्य सरकार बा खास कर एसआरसी जो भाई भाव में आलर्ट रहापी जिलापाल मानक निर्देश देखते तो यहाँ कौन इंगित करुच्चे राज्य सरकार कोटना कोटि गोटे आशंका करे हुए तो बात्या कारण पूर्व आम देखा विगत 3-4 वर्ष धरी लगातार भाव में मे मसरे बात्या उपकूल को ओडिशा उपकूल को आसूम तार भयावहता देखा तो से दृष्टि राज्य सरकार कौन से रिस्क नाक चाहूना सतर्क कर जिलापाल मानक देखो शक्ति साई निश्चित भाव में जदिओ आईएमडी पक्षर कौन से निर्दिष्ट बा स्पष्ट चित्र एपर्यंत आसीना बात्या वर्तमान लघुचाप परिणत होना घूर्णिबलय एवं बात्या संपर्कित कौन से निर्दिष्ट सूचना एपर्यंत मिल पारिना किंतु विभिन्न मॉडल जो आकलन रही दृष्टि रखी राज्य सरकार प्राक प्रस्तुति आरंभ करदी बात्या आसूार उपकूल दे अतिक्रम कर किंवा ओडिशा भितर कौटी हिट कर तो दृष्टि रखी वर्तमान राज्य सरकार प्राक प्रस्तुति आरंभ करतमान अपडेट हो जे रही स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर बा उन्नयन कमिशनर जी रही प्रदीप जेना से वर्तमान बैठक ने 18 जिलार जिलापाल सहित आलोचना किभली बात्या को मुकाबला करदी बात्या आसूरी तार मुकाबला किभ कौन कौन कर आवश्यक रही है विषय में 18 जिलार जिलापाल सहित विस्तृत आलोचना करो थे कटक पुरी खोर्धा जगत सिंहपुर यह तमाम जिला सबू रही उपकूल नहीं दक्षिण ओडिशा और उत्तर ओडिशार किसी जिला ए सामिल रही 18 जिला को बर्तमान आलर्ट रखाई और जिलापाल आसंता काली सुधा समस्त प्रिपेयरनेस सारे कड़ा निर्देश दिखाई स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर पक्षर और सहित देखिए आप जोभली भाव में कहुई 24/7 कंट्रोल रूम खोल सेठे आवश्यक जो भित्तिमि किभली रखा जापर ता गुरुत्व देवा जिलापाल मानक निर्देश दिखाई ता सहित यू बात्या समय पुनरुद्धार कम और सहित लोक स्थानातरित कम ए दुईट मुख्य दिग रही है तो बात्या जितेबाला हेब ता पूर्व लोक किभली स्थानातरित समय क्या क्या गुरुत्व देवार आवश्यक रही सबू दिगरे चिठी उल्लेख कराई विशेषकर गर्भवती महिला वृद्ध वृद्धा और दिव्यांग यू किभली प्राथमिक बा प्रारंभिक पर्यायर एम को स्थानांतरित होपरूरी गुरुत्व देवाई कमर गोटे लिस्ट कहुई ता सहित आप देखिए आशा अंगनवाड़ी एवं महिला कनेस्टेबल यही जो मैंने सरकारी कर्मचारी मैंने रही तीनोटी टीम गठन कराई जो मैंने यू बात्या समय स्थानांतरित कार्य लगे ता सहित रिस्ट्रक्शन काम कि भाव में कौन कौन विभाग दायित्व रोज से नहीं विस्तृत आलोचना होशेषकर पंचायतराज जो पानी जल विभाग गुरुत्व गुरु दायित्व रोचे शक्ति विभाग गुरु दायित्व रोचे ये सब विभाग को अलर्टनेस रखाई शक्ति विभाग बात्या पूर्व किभली बिजुली काट न हो समस्त पाखे पानी जल कि उपयुक्त परिणाम पहुँचव जेहेतु बात्या समय विद्युत काट हो विद्युत लोक मैं पहुँच पारना ता पूर्व समस्त पाखे आवश्यक मुताबक पीवा पा कि महजूद रोक से गुरुत्व देवाई जिला प्रशासन को निर्देश दिखाई है आउ गोटे कथ देखिए ये जो समय किभली कच्चा घरे कौन लोक न रही जाए गुरुत्व देवा कहुई किभली लोक सुरखुरी स्थानांतरित होता गुरुत्व देवाई कहुई आउ गोटे कथ देखिए बर्तमान आम राजस्व मंत्री बासभवन अच्छू राजस्व मंत्री ए दिगरे किसी प्रतिक्रिया रखुच्च कहवा कथा जे सरकार संपूर्ण आलर्ट अच्छा जदि कौन से
किभली परिस्थिति सृष्टि हुए जदि ओडिशार कौन स्थान में बात्या हिट करुच्ची बा बात्या स्थलभाग छुँची किंबा ओडिशा उपकूल दे अतिक्रम करुच्ची ताहले केउ केउ जगह क्षति हेबो तापर मध्ये आकलन कराउची एवं विभिन्न मॉडल रो जो पूर्वानुमान रहिछि ताकु वर्तमान सरकार आकलन करुछंती सेसु आकलन नै ए प्रस्तुति बोली जहाँ राजस्व मंत्री मध्ये कहिछंती नियति भाबरे पंचायतराज पानी जल मंत्री मध्ये जहाँ तांकर प्रतिक्रिया रखिछंती जे समस्त वीडियो मानको निर्देश दिहाइछि सेमाने ग्राउंड लेवल रे जो सबू भित्तिभूमि आवश्यक रही जो जो जगार आप देखिए बात्या आश्रयस्थल रही प्रिपेयर करने कहुई स्कूल घर हो कि कॉलेज घर हो जो उच्च स्थान रही प्रिपेयर कर रखापी कहुई जितेबाला बात्या आसव से ही समय कि लोक स्थानांतरित हो गुरुत्व दिज्व और आसंता का सुधा समस्त बात्या आश्रयस्थल और 24x7 जो कंट्रोल रूम खोलने कहुई शक्ति साई ओके तो दिव्या जो भाई भाव में आपड़ कहले ये सब अलर्ट जारी करा तो आज जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे 18 जिलापा सहित आलोचना करेंगे एसआरसी तो केते बड़े ए रही शेड्यूल एवं अन्य जिलापाल एवं एसआरसी का व्यतीत अन्य को विभाग पदाधिकारी मैंने सामिल हे देखु शक्ति साई जहाँ भित्तरी सूचना मिली जदि स्पष्ट चित्र स्पष्ट सूचना एपर्तंत मिली ना कि जहाँ भित्तरी सूचना रही वर्तमान बैठक आरंभ हो जहाँ कार्यसूची दिन 11:30 समय बैठक आरंभ होता बैठक आरंभ हो जाए गोटे कथा देखिए जे 18 जिलार जिलापाल मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिए बैठक में जोड़ी होती ता सहित विभिन्न जो विभाग रही जो मानकर यही बात्या समय दायित्व रही है से माने समानकर कार्य करमानी विभाग सब सचिव मानी बैठक में सामिल कराई जमीक आप देखते पंचायतराज और पानी जल विभाग शक्ति विभाग राजस्व विभाग एवं सहित कृषि विभाग यही समस्त विभाग गुड़ी बर्तमान यही बैठक में सामिल कराई समस्त विभाग को आलर्ट रहा कहुई जेहेतु वर्तमान चाषी फसल अमल समय मध्ये रही जो मैंने मुग विरी कर फसल अमल करवा समय रही सहित अनेक जगार देखिए रबि फसल जदिओ अमल किंतु ता सठिक भाव में पहुँची पारिना सठिक स्थान में सुरक्षित भाव ना तो कि सुरक्षित स्थान रखा सहित यू आउ कि जो डाली जितिय फसल कराई तैलबीज फसल कराई कि सुरक्षित अणाजी से कृषि विभाग गुरुत्व देता सहित पंचायत पानी जल विभाग ठीक अच्छे धन्यवाद दिव्यज्योति दिव्यज्योति महांती आम प्रतिनिधि सूचना दूर जे कि भाव में आलर्ट कर 18 जिला को परवर्त समय आम जा पुरी रु आलोक आशुतोष साम प्रतिनिधि अच्छा से जिला प्रशासन एक गुरुत्वपूर्ण बैठक होती तेज प्रथम जी आम गजपति जितेन्द्र बारिक आम प्रतिनिधि जोड़ी होती गजपतिर सहित अच्छा जिलार वरिष्ठ पदाधिकारी एडीएम सहित उपस्थित अच्छा जितेन्द्र प्रथम जानवाक चाहबू जो 18 जिला को आलर्ट कर एक नंबर रही गजपति जिला एवं से दृष्टि एसआरसी आलर्ट पर गजपति जिला प्रशासन पक्ष कौन रही प्रस्तुति देखु शक्ति साई पूर्व बहुत बात्या सम्मुखीन करती गजपति जिला कहे भूल होनी कारण तितलीपड़ी महावात्यार सम्मुखीन होती जो जिला प्रशासन पक्षर व्यापक व्यवस्था कराइला एवं बर्तमान जो बात्या आई विभिन्न प्रकार प्रस्तुति जारी रखी और एसआरसी पक्षर दृढ़ पदक्षेप निजाई दृष्टि दिखाई आम आलोचना करवा एडीएम सर अच्छा सर कौन कहे पूर्व बहुत बात्या देखिए आसी गजपति जिला एवं जो बात्या किपर भाव प्रस्तुत आमर देखूँ मान्यवर एसआरसी महोदय बर्तमान 11:45 को आम भिसी ने आम प्राक प्रस्तुति आरंभ कर देचु समस्त वीडियो मानक ऑलरेडी अलर्ट कराई से लेवल रे मीटिंग आरंभ कर सारे एवं आमर जो भाया अच्छी आम कंटिंजेंट प्लान अच्छी आम से प्लान अनुसार आम कार्य करूँ जो जो जगार आम लैंडस्लाइडर पसबिलिटी अच्छी हेवी रेन रसबिलिटी अच्छी लोक मैं सुरक्षित स्थान को स्थानातर करूँ प्रतिदिन जीवन मूल्यवान से सब जीरो काजुअल पुणी थे गुरुत्व दू आम जिले प्रायत कौ कौ अंचल कहवा जमी उपात अंचल गंगार कथा कहला जो समय तितली महावात्या हिट करता से हीपरी वंशधारा नदीकूलिया अंचल बहुत लोक बसवास करते सब अंचल को किपर गुरुत्व दिया ठीक कथा कहते हैं वल्नरेबिलिटी पॉइंट जोड़ा अच्छी से सब अलरेडी आईडेंटिफाइड होती तेणु आम विदिन 24 आवर्स सिफ्ट करने निर्देश देचु एवं बात्या आसिले कि बर्षा हेवी रेन हेले से तुरंत आम सुरक्षित स्थान को सिफ्ट करने कंटिजेंट प्लान रेडी करूँ प्राय आम पूर्व जो बात्या आसा कतोटी बात्या आश्रयस्थल कराला के लोक प्राय सिफ्ट कराइए बर्तमान केतेट रखा आमर गत तितली अनुसार 76 आम बात्या आश्रयस्थल
ତେଣୁ ଆମକୁ ତାକୁ ଆମେ ବଢ଼େଇ ବି ପାରିବୁ। ପ୍ରତି ସ୍କୁଲ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଖୋଲା ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାର୍, ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ କଥା କୁହାଯାଉ, ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଏର୍ସାସିଙ୍କର 11:45 ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଉପାନ୍ତ ଯଦି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି କହିବା, ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ପାହାଡ଼ିଆ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ, କାରଣ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ କରାଯିବ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ତତ୍ପରତା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ଏସ୍ଆର୍ସି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି ହେବ କିମ୍ବା ଏସ୍ଆର୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିବ ସେ ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଶକ୍ତି ସାହି। ଓକେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ତିତ୍ଲି କଥା ଖାସ୍ କରି ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ଯେଉଁ ତିକ୍ତ ଅନୁଭୂତି ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଧସି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତାର ଯେମିତି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି। ଯେଉଁ କଥା ADM ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ 11:45 ସମୟରେ SRCଙ୍କ ସହିତ, ଏ 18 ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତ ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର କିଭଳି ରହିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି, କ'ଣ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ନେଇ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ରଖିବେ SRCଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। ପୁରୀ ଯିବା, ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଲୋକ, ଆଜି ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅଛି, ଆପଣ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି ସେଠି ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ, କିଛି ଖବର ଆସୁଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରସ୍ତୁତି? ନିହାତି ଭାବରେ ଶକ୍ତି ସାହି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପୁରୀ ସର୍କିଟ ହାଉସ୍ରେ ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ନେଇ ଆମେ କହିବା ବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କ'ଣ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କରାଯାଇଛି ତାହା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଜି ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମେ ମାସରେ ଅନେକ ବାତ୍ୟା ମଧ୍ୟ ନଜିରେ ଆସିଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଶକ୍ତି, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଫନି ମହାବାତ୍ୟାକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଫନି ମହାବାତ୍ୟାର କରାଳ ରୂପ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କହିପାରିବା ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଲିଭି ନାହିଁ, ତାକୁ ଧରିକି ପ୍ରଶାସନ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସ୍ପଷ୍ଟ ଆକଳନ କରାଯାଇ ନାହିଁ କେଉଁଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବା ଏବଂ ଯଦି ଏହା ଲଘୁଚାପ ହେବ, ଲଘୁଚାପ ପରେ ଯଦି ଅବପାତ୍ର ରୂପ ନେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ, ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଯଦି ବର୍ଷା ଏବଂ ପବନର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଯେମିତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କୋଣାର୍କ ହେଉ, ନିମାପଡ଼ା ହେଉ, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ହେଉ ଏବଂ ପୁରୀ ସହରର ପେଣ୍ଠକଟା ଏବଂ ଯେଉଁ ବଳିଆପଣ୍ଡା ଯେଉଁ ବସ୍ତି ରହିଛି, ତଳିଆ ବସ୍ତି ରହିଛି ଯାହାକି ସମୁଦ୍ରକୂଳ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି, ତା ଉପରେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛେ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ରିଷ୍ଟୋରେସନ୍ ଆଉ ରେସ୍କ୍ୟୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ, କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମହଜୁଦ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ପିଇବା ପାଣିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଔଷଧଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କିଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ତା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଏବଂ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ବିଶେଷ କରି ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି, କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଫନି ମହାବାତ୍ୟାର କରାଳ ରୂପରେ କହିପାରେ ବେଶୀ ଜୀବନ ଯାଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଘର ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ କହିଥିଲା ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁ ବଳିଆପଣ୍ଡା ହେଉ, ପେଣ୍ଠକଟା ହେଉ, ସମୁଦ୍ର କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ କିମ୍ବା କୋଣାର୍କ, ଯେଉଁଠାରୁ ବସ୍ତିମାନଙ୍କର କହିପାରିବା ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟାନକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ପୁରୀ କଥା କହିବା, ପୁରୀରେ ପାଗ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଛି, ମୁଁ ଟିକିଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶକ୍ତି ଜୁଆରିଆ ରହିଛି ଏବଂ ଯାହା SRCଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି, ପୁରାପୁରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା କୁହାଯାଇଛି। ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଣ୍ଠକଟାରେ, ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପେଣ୍ଠକଟା ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ, ସମୁଦ୍ର ଟିକିଏ ଯାହା କହିପାରିବା ଉଚ୍ଚାରିଆ ଜୁଆର ଉଚ୍ଚା ରହିଛି ଏବଂ ଆକାଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବସ୍ତିବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଛନକା ବସିଲାଣି, ଯେହେତୁ ଅତି ବହୁତ ବାତ୍ୟାକୁ ସେମାନେ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସେମାନଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ତ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁକିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ, ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଇବା ପାଣି, ଔଷଧ ଏବଂ କହିପାରିବା ପାନୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିହାତି ଭାବେ ରଖିବେ, କ'ଣ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଆସାନୀକୁ ନେଇକି
କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଛନକା ପଶିଛି, ଯେହେତୁ ଫାଇଲିନ୍ ହେଉ, ହୁଡ଼ୁହୁଡ଼ ହେଉ, ତିତିଲି ହେଉ, ଅମ୍ଫାନ ହେଉ ଏବଂ ଫନି ହେଉ, ଏ ତମାମ ବାତ୍ୟାକୁ ସେମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମେ ମାସରେ ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ଆସେ ଯାହା ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଯେହେତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ଏହା କେତେଦୂର ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ ଏହା ଗଭୀର ଅବପାତ ରୂପ ନେବ କି ନାହିଁ ତାହା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆକାଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋକୁଆ ଭୟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି ଏବଂ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରକୁ କିଛି ଡଙ୍ଗା ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଆମେ ଏ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, କାରଣ ପେଣ୍ଠକଟା ବସ୍ତି ହେଉଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିକ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇଛି ସେମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି ହେରି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସଚେତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ରଥ ସମନ୍ୱୟର ବା ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଚାଲିଛି, ତା ଉପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ତ ତାହାପରେ ହିଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, କେତେ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଓଡ୍ରାପ୍ ଆସିବେ, କେତେ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଆସିବେ ଏବଂ ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା କିଭଳି ରେଷ୍ଟୋରେସନ୍ ହୋଇପାରିବ, କିଭଳି ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଯାଇପାରିବ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ତା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ। ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଆଲୋକ, ଯେ ପୁରୀ ହେଉଛି ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଟାକି ଖାସ କରି ଏଇ ଯେଉଁ ଖରାଦିନିଆ ବାତ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୁରୀର ଅତି ଗୋଟେ ତିକ୍ତ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି। ଫନି ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଦେଇଥିଲା, ପୁରୀରେ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଖରାଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା କଥା ପୁଣି ଶୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣାଯାଉଛି, ତ ପୁରୀବାସୀ ଚିନ୍ତିତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତସିଂହପୁର, ଅନ୍ୟତମ ବାତ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜିଲ୍ଲା, ସିଏ ଖରାଦିନିଆ ବାତ୍ୟା ହେଉ କିମ୍ବା ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ବାତ୍ୟା ହେଉ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ତାପସ ଦାସ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ। ତାପସ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ତରଫରୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସେଠିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ, ତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା ହେବ କିଛି ସମୟ ପରେ, ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ, କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛୁ। ଯେଉଁ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର ରହିଥିଲା ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ପାଖାପାଖି 11:30 ରୁ 11:45 ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭିସି ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ବୈଠକ କରିବେ, କେଉଁ ଭାବରେ ଇଭାକୁଏସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯାଇପାରିବ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ତା ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ କରାଯିବ। ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଯେଉଁ ଭିସି ମଧ୍ୟ ମିଟିଂ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 8ଟି ବ୍ଲକ୍ ରହିଛି, 8ଟି ବ୍ଲକ୍ର ବିଡ଼ିଓ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିବ ଇଭାକୁଏସନ୍, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇପାରିବ, ତା'ପରେ ପରିବ୍ୟବସ୍ଥା କହିପାରିବା, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ କଥା କହିପାରିବା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ କଥା କହିପାରିବା, ମେଡିସିନ୍ କଥା କହିପାରିବା, ଏସବୁ ରହିବ। ତା'ପରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରବି ଫସଲ ଚାଲିଛି, ରବି ଫସଲ ଯେଉଁ ପାଚିଲା ଯେଉଁ ପନିପରିବା ରହିଛି ତାକୁ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଣିପାରିବେ ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା କଥା କହିବା, ଜଗତସିଂହପୁର ବାସୀମାନେ ବାତ୍ୟାକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା କଥା ଆସେ ଜଗତସିଂହପୁରକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭାବିତ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ପୂର୍ବ କଥା କହିବା, ଏଇ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବ ବାତ୍ୟା ଜୁଆଦ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି, ବାତ୍ୟା ଜୁଆଦ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, ଇଭାକୁଏସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯାଇଥିଲା, ଏବେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଅଛି ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଇଭାକୁଏସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମେ ଯାହା ଜରୁରୀ ଇମର୍ଜେନ୍ସିକାଳୀନ ବୈଠକ ଚାଲିଛି, ପାଖାପାଖି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ସମୟ ରହିଥିଲା 11:30 ରୁ 11:45 ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ କରାଯିବ। ଏହି ବୈଠକ ପରେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜଣାଇଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଡ଼ିଓ ତହସିଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ବାତ୍ୟା ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବାତ୍ୟା ମାଡ଼ କରିବ, ବର୍ଷାର ପଡ଼ିବାର କଥା କହିବା, ପବନ ପରିମାଣ କଥା କହିବା, ଏସବୁ ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ। ତେବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର ରହିଥିଲା, ଆମେ ଯାହା ସୂଚନା ଆଣିଥିଲୁ ପାଖାପାଖି 18ଟି ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଆଲୋଚନା ସରିବା ପରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏ ଆଲୋଚନା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପରେ ହିଁ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ମିଳିପାରିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେତେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନେଇଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ ଯେ ବାତ୍ୟା କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ, ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବ କି ନାହିଁ, କେତେ ପ୍ରଭାବିତ ରହିବ, ଯଦି ପବନ ହେଉଛି ପବନର ବେଗ କେତେ ରହିବ, ଏସବୁ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଗୁଆ
आलर्ट कर संभाव्य प्रभावित जिला गुड़ी को से दृष्टि एक अनुमान करा हुए तो राज्य सरकार को कारण विभिन्न मॉडल रु आमर आईएमडी व्यतीत अन्य विदेशी मॉडल गुड़िक पाणीपाग जो संस्था गुड़िक रही जो माने कि पूर्वानुमान करते से तरफ कि आगुआ पूर्वानुमान कर सारी से आधार कर बोध हुए एसआरसी एवं राज्य सरकार कौन सी रिस्क नापी चाहूना से जिला प्रशासन को आलर्ट कर वर्तमान किसी समय मध्य भी आरंभ हो बैठक एवं बैठक पर ही किसी स्पष्ट चित्र हुए तो सामना को आसीपर जे कौन राज्य सरकार प्रस्तुति एथर करुछंति। जितेन्द्र बारिक आम प्रतिनिधि गजपति अच्छा जितेन्द्र गजपति जो भाई भाव स्थित रही वर्तमान स्थित एवं बात्या नहीं कि जब गोटे आशंका देखा देखा नहीं कि चर्चा है लोक मान स्थानीय जनसाधारण भितर नहीं कि कौन सी भयभीत भली स्थिति अच्छी केते सीरीयसली नौ लोक मैंने आज पाग जदि देखा केमती से देखुं कारण खरार जो प्रकोप था अधिकांश स्थान में कालबैशाखी जो खरार प्रकोप कमी मेघुआ मेघाच्छन्न रही विभिन्न स्थान में जिला गुड़िक तो गजपति स्थित कौन रही। देखु शक्ति साहे पूर्वर बहुत बात्या सम्मुखीन होती गजपतिवासी कहे भूल हेनी कारण तितली पड़ी महावात्या जो बात्या एवं पर्यटन लोक मनर भय जाए कारण तितली जो कोरा रूप देखा गजपति जिले में छिन्भिन कर अनेक जीवन नहीं अनेक तितली से कोरा रूप को भूली पारिना से हीपर जो परिवार ग्रीष्मताती बढ़ी जाता किसीटा वर्षा जो किसी आश्वस्ति पाई जिलावासी कितु बात्यार जो भय उपात अंचल कि पहाड़िया अंचल लोक कारण भय सृष्टि कारण जो माने मध्य पहाड़ उपरे बसवास करछंती पहाड़ अंचल रोचंती से प्रत्येक थर बात्या आसीबा संगे संगे जिला प्रशासन पक्षर से स्थानातीत करा जाए गोटे सुरक्षित स्थान को जहाँ बात्या आश्रय स्थल को सुरक्षित स्थान को स्थानातीत करा जाए जिला प्रशासन पक्षर सातकोटी ब्लॉक रे एहिपरि भाव में प्रत्येक स्थान में बात्या आश्रय स्थल कराई जहाँ एडीएम सहित जहाँ आम आलोचना करूँ एसआरसी बैठक पर जे अतिरिक्त जिलापाल जी अच्छा संग्राम केशरी पंडा से जहाँ सूचना दौले संध्या पांच समय प्रत्येक विडीओ मानक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे आलोचना हे और ताहा सह जो माने रूरल अन्यान्य अधिकारी माने अच्छा जेपरी तहसीलदार कथा जदि कह प्रत्येक ब्लॉक रे तहसीलदार वीडियो एवं जो जो उपरस्थ अधिकारी माने अच्छा से सहित संध्या पांचटा समय आलोचना हे ता परवर्ती समय प्रत्येक क्षण प्रत्येक मुहूर्त में जो जो स्टेप नि जिला प्रशासन को राज्य सरकार को जो जो जहाँ निर्देश आसी एसआरसी पक्षर जहाँ निर्देश आसी किपर पालन हे और बात्या समय कि बात्या जो संभाव्य बात्या अच्छी किपर मुकबिला से नहीं मैं जिला प्रशासन संपूर्ण प्रस्तुत होती पूर्वर जदि आम कथ कह फनी कथ जी कह तितली महावात्या जी कथ कह अम्फान जी कथ कह यहपर समय जिला प्रशासन पक्षर अनेक लोक बात्या आश्रय स्थल को स्थानातीत कराइला काशीनगर ब्लक जी कथ कह नदीकूलिया अंचल होता जो काशीनगर ब्लक में उपर मुंडे जदि अधिकांश जदि वर्षा जदि टिके हुए तो तलमुंड जो काशीनगर ब्लक साली सियाली जो तलिया अंचल ग्रामवासी मैंने अच्छा से घर द्वार बुड़ जा संभावना रही से नहीं जिला प्रशासन पक्ष जो जो नदीकूलिया अंचल मैंने बसवास कर सुरक्षित स्थान को जिला प्रशासन पक्ष स्थानातीत करपर भाव में जो बात्या आसी बात्या आसार जो संभावना बात्या दृष्टि रखी जिला प्रशासन पक्ष से नहीं दृष्टि दिज्व शक्ति साई ओके तो जितेन्द्र सूचना दूसरे कि गजपति जिलार स्थित संपर्क एवं पुरी को आम जा आलोक आशुतोष लगातार अच्छा आम सहित आलोक पुरी जिला जो भाई भाव में किसी मॉडल एक संकेत करुच्ची जे बात्या जदि लैंडफॉल करुच्चे गंजाम रु पुरी जिला मध्य लैंडफॉल करे ये खरा दिनिया बात्या को लेकिन पुरी जिलावासी पूर्वर जो अनुभूति रही खासकर फनी जो विपर्यस्त विपर्जय घटे पुरी जिले में तो से दृष्टि तो पुरी जिला प्रशासन गुरुदायित्व रही रोची ये बात्या को किभ भाव में सफल मुकाबला करापर धनजीवन क्षति को रोक जापर एवं मत्स्यजीवी कथा आप कहते पेंठ कटारु आप चित्र देखा किभली भाव में ये अंचल बेसी क्षय क्षति होता है से सुरक्षित स्थान को स्थानातर कर ये गोटे बड़ चैलेंज वर्तमान स्थित
निश्चित शक्ति साई ये गोटे बड़ चैलेंज प्रशासन पर रोक कारण आप जानते फनी महावात्या सीधासल पूरी बालुखंड में लैंडफॉल करता और तार कराल रूप समग्र पूरी जिला देखा मिलता कि बर्तमान जेहतु संभाव्य बात्या को लेकर समस्त पूरी जिलार जो एगार ब्लक अच्छी समस्त समस्त वीडियो तहसीलदार मानक जिलापाल निहती भाव में निर्देश देवे और विशेषकर जीरो काजुआलिटी किभली ध्यान दिया जापर मैं फोकस देवे और इवाकुएट प्रक्रिया इवाकुएसन प्रक्रिया स्थानातर प्रक्रिया जो मैंने तली अंचल अच्छा बस्ती अंचल अच्छा समुद्र कूलवर्ती अंचल अच्छा से युद्धकालन भितर कि इवाकुएट कर बात्या आश्रयस्थल को निजाइपर सुरक्षित जगह को निजाइपर से प्रशासन पर गोटे बड़ चैलेंज रहा अनेपट जदि वर्षार परिमाण बढ़ला पवन रेग बढ़ला निश्चित भाव में इलेक्ट्रिक खुंटी ठीक आरंभ कर गच डाल सबकि भांगिकी रास्ता उपर पड़ तो कि भाव युद्धकालन भितर परिष्कार से नहीं एनडीआरएफ और ओड्राफ टीम निहती भाव पूरी जिले में मुतयन है जहाँ जिलापा निश्चित भाव में प्रतिक्रिया रखे तो मोटामोटी भाव में जिलापा प्रतिक्रिया को आम अपेक्षा करवा वास्तव में एसआरसी सहित भिडियो कन्फरेन्सी पर क्या जिलापा गुरुत्व दौरान रेस्क्यू उपर के गुरुत्व दौरते और कैसे प्लाटून एनडीआरएफ ओड्राफ टीम आसूँ शुखिला खाद्य रंधा खाद्य और औषध पर्याप्त परिमाण में पीवा पा विद्युत व्यवस्था ए तमाम दिग्वर प्रशासन निश्चित भाव में ध्यान रखार आवश्यक रही है जेहतु अनेक बात्या सम्मुखीन पूरी जिला करी जिला पर सीधासल प्रभाव पड़ी जेहतु समुद्र उपकूलवर्त जिला मानक पूरी जिला हूँ अन्यतम तो निहती भाव में अनेक लोकों पर सीधासल प्रभाव पड़े ये दृश्य टी देखा चाहिए ये हूँ फनी समय करला दृश्य आप देखते बर्तमान सुधा लोकों मनर शक्तिशाली दुख जाए से डर जाए से भय जाए से अभुला स्मृति बर्तमान भी उज्जीवित हो रही है जो तंबू पलिथिन आप देखुं ये हूँ से ही तंबू पलिथिन दृश्य जितेबाला महावात्या फनी आसीला फनी पर प्रशासन तरफ केवल तंबू ही पलिथिन संतुष्ट होगा पड़ता बर्तमान से मनरे कितु कोकुआ भय रही जेहेतु समुद्र उपकूलवर्ती समुद्र कूल पाखे पेंटकटार 5000 बस्तीवासीदा रहा से ही तंबू से ही चीरा पलिथिन से आश्रा पलटी तो मोटामोटी भाव में प्रशासन यहाँ विशेषकर ध्यान रखा आवश्यक रही है केते दूर जो तला अंचल जदि वर्षार परिमाण बढ़ला पवन रेग बढ़ला केते शीघ्र इवाकुएट कर सुरक्षित जगह को ना बात आश्रयस्थल को ना ता निश्चित भाव में प्रशासन पर गोटे बड़ चैलेंज पलट कि अपरपक्ष आकाश कितना शक्तिशाली संपूर्ण धन्यवाद आलोक धन्यवाद जितेन्द्र धन्यवाद तापस तीन टी जिलार स्थित संपर्क में सूचना दूसरे आम प्रतिनिधि माने किंतु राज्य सरकार जो भाई भाव रेकर्ड रही राज्य सरकार ताकु नहीं प्रशंसित होती जीरो काजुआलिटी बात्यार पूर्व स्थित को किभली भाव में मुकाबला कर लोक सुरक्षित स्थान को निजाइपर से गोटे से राज्य सरकार प्रशंसित होती कितु कथ हो प्रत वर्ष आम गोटे दुईट बात्यार सम्मुखीन होतु तार ये लोक बात्या शुणिला मान लोक सुरक्षित स्थान को नवा आश्रयस्थल रखा खावा पीवा दवा ये व्यवस्था केतेदिन पर्यंत चली थी कहीं यार गोटे स्थायी समाधान करा जाऊ ना लोक मान कि भाव में पक्का घर जोगई दि जाए एवं से निज घरे सुरक्षित भाव में रहिबार व्यवस्था करा जिवो से दिगरे केबे गोटे ठोस पदक्षेप निया से गोटे बड़ प्रश्न हो रही बात्या जितेबाला आसे से प्रश्न उठे तो एसआरसी जो बैठक करेंगे से बैठक में कौन निष्पत्ति नौ नजर रहा समय होती है न्यूज रूम लाइव को बैठक नमस्कार।